जी एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं कि ओबीसी आजकल बिहार चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमान वोट को रिझाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अभी इन्होंने लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली भी की है, तो आपको क्या लगता है कि ये धर्म के नाम पे अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या मोदी जी के दिखाए हुए किसी प्लान पे काम कर रहे हैं? नहीं, ये वैसी बंधुओं का इस तरह का बयान देना करके कि लोग सोचे कि महाराष्ट्र में हम इस तरह का बयान दे करके दो सीट पा गए, इस तरह से मुसलमानों को अपनी तरफ खींचनी है। अभी इनका बयान था, उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कहे थे कि हमारे अंदर गट्स है तो मैं चार चार बीवियाँ रखता हूँ, हम लोग रखते हैं, अगर हिंदुओं के अंदर गट्स हो तो भी रखें, उन लोगों के अंदर गट्स ही नहीं है तो गट्स उनको तब पता चलेगा जब हिंदू एक होकर के इनको जवाब देंगे, तब पता चलेगा कि हिंदुओं के अंदर भी गट्स है। 2017 में शिवसेना की क्या रणनीति है? क्या आप बिहार चुनाव की तरह इस बार भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे? हाँ, शिवसेना इस बार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, वोट की राजनीति करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जहाँ देश की राष्ट्रीय अखंडता की बात आती है वहाँ सभी लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए और देश की अखंडता को बनाए रखें। बनारस जिले में शिवसेना की और क्या योजना है? बनारस जिले में शिवसेना की यही योजना है कि भाई लोगों को जोड़ करके संगठित करके यहाँ हिंदुत्व को बढ़ाया जाए, ताकि इस तरह के देशद्रोही फालतू का उन जुलूम बयान न दें, उन लोगों के रोक लगाया जाए। नेताजी टीवी से बात करने के लिए धनंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।